सिंध की कौम परस जमात जीएसएन मुतदा महज के मजीद पांच कारकुन लापता हुए हैं तंजीम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर भुट्टो के छोटे भाई शाहनवाज भुट्टो ने बीबीसी को बताया कि ये कारकुन कराची से हिरासत में लिए गए थे कराची से ही सुहेल की रिपोर्ट जी एस एन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर भुट्टो के छोटे भाई शानवाज़ ने बताया है कि गुजशतर रोज उनके भाई मुजफ्फर की रिहाई के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल के बाद वो एक होटल पर खाना खाने गए थे जहाँ से वो अपने शहरों की जानव जा रहे थे कि रेमो सेंटर के नजदीक बस स्टॉप ऐसी पाँच कारकुनों को हिरासत में लिया गया उन्होंने बताया की कानून नाफिज करने वाले एहलकार दो डबल कैबिन गाड़ियों में सवार थे उनके साथ एक पुलिस मोबाइल भी मौजूद थी ये गिरफ्तारियां देखकर उनके दीगर साथी जो पीछे आ रहे थे फरार हो गए तहम एस पी सदर इर्शाद सीहर ने इन गिरफ्तारियों ऐसी लालमी का इजहार किया है दूसरी जानव इन गुमशुदगियों के खिलाफ हैदराबाद नवाबशाह सकरन कम्बर और दीगर शहरों में जी एस मुतहदा माध की जानव ऐसी एहतजाजी मुजहरे किए गए याद रहे की जीएसएन मुतहदा माज के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर भुट्टो पच्चीस फरवरी ऐसी लापता है उनके बेगम सायो भुट्टो का कहना है कि मुजफ्फर सखर से हैदराबाद रवाना हुए थे और हैदराबाद से कोई 25 किलोमीटर दूर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने उन्हें रोका और अपने साथ ले गए मुजफ्फर भुट्टो इससे कबल सन 2005 में भी लापता हो गए थे और अठारह माह बाद उन्हें रिहा किया गया साया भुट्टो का कहना है कि उनके शोहर पर बम धमाकों और तकरीबकारी के मुकदमा दायर किए गए मगर अदालतों ने उन्हें तमाम मुकदमा से बरी कर दिया था रियाज सीबीसी कराची